हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए सैमसंग S23 FE, जो कि थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है सैमसंग A55। दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, आप भी कंफ्यूज है, बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में बस हमेशा की तरह लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके डिजाइन की। डिजाइन दोनों का नो डाउट काफी अच्छा लगता है और दोनों में आपको अल्मीनियम फ्रेम देखने को मिलेगा और ग्लास बैक आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको सैमसंग S23 FE में, और सैमसंग A55 में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और दोनों स्मार्टफोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, कलर वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं, कंटेंट वगैरह देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट सैमसंग S23 FE का थोड़ा सा यहाँ पे बेटर यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा आप आउटडोर में भी यूज करते हैं, सैमसंग S23 FE में आपको 1450 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल और सैमसंग A55 में आपको 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है। इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन यहाँ सैमसंग A55 में मिलने वाला है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको सैमसंग S23 FE में देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस थोड़ा सा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है। सैमसंग S23 FE में थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट काम करता है। इसके अलावा बेजल्स की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग S23 FE में थोड़े बेजल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी बैटरी की। 5000mAh का बैटरी सैमसंग A55 में मिलने वाला है और सैमसंग S23 FE में 4500mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 25W फास्ट चार्जिंग को दोनों स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं, बट इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा सैमसंग S23 FE थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली है, तो इस करके इसमें थोड़ा सा आपको जो फीचर मिलने वाला है, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि बैटरी में मैं आपको सीधा से यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, मतलब ज्यादा फोन वगैरह यूज करते हैं, काम आपका फोन पे ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी सैमसंग S23 आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको बैटरी बैकअप अप्रोक्सीमेट 6 आवर का यहाँ पे मिलने वाला है और इसमें आपको थोड़ा सा 7 आवर तक चला जाएगा इजिली। तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप आपको अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली सैमसंग A55 में ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा और साउंड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी देखने को मिलती है, बट सैमसंग S23 FE की थोड़ी लाउड है। इसके अलावा 14 5G बैंड का यह सपोर्ट सैमसंग S23 FE में मिलने वाला है और 12 5G बैंड का सपोर्ट आपको सैमसंग A55 में देखने को मिलेगा। वाईफाई 6 आपको सैमसंग A55 में और वाईफाई 6E आपको सैमसंग S23 FE में देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा IP67 की रेटिंग आपको सैमसंग A55 में और IP68 की रेटिंग आपको सैमसंग S23 FE में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, तो जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है सैमसंग S23 FE में, आपको सैमसंग एक्सोनोस 2200 देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग A55 से काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग A55 में आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्सोनोस 1480 देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, बट अगर आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली सैमसंग S23 FE में काफी बेटर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं अंतुतु स्कोर की बात करता हूं तो सैमसंग S23 FE में आपको 1.1 मिलियन के ऊपर यहां अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है, बट सैमसंग A55 में आपको 7 लाख के करीब यहां अंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा, यानी कि 4 लाख का आपको सीधा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और हैवी टास्क ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सैमसंग S23 FE की तरफ यहां जाना चाहिए। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 4 ईयर का मेजर अपडेट और 5 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा। हालांकि सैमसंग S23 में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 आया था और A55 में एंड्रॉइड 14 मिलने वाला है, यानी कि 1 साल का जो सैमसंग S23 FE में अपडेट आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा LPDDR5X रैम टाइप आपको सैमसंग A55 में, LPDDR5 RAM टाइप आपको सैमसंग S23 FE में देखने को मिलेगा। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा।
आगे बढ़ते हैं इसके कैमरास की ओर। कैमरास भी अच्छे चाहिए होते हैं। Samsung S23 FE में आपको जो कैमरा मिलने वाला है, रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आने वाला है, प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलने वाला है, और इसमें एडिशनल आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं Samsung A55 की, यहां पे भी आपको जो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही मिलने वाला है, OIS के साथ ये भी आने वाला है, 12 मेगापिक्सल का सेम आपको अल्ट्रा वाइड यहां भी मिलने वाला है, बट आपको यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यहाँ देखने को मिलता है। मैक्रो को मैं आपको सही बताऊं तो मतलब इतना यूजफुल रहने वाला नहीं है, टेलीफोटो जरूर यहाँ पे काम आता है, यूजफुल रहने वाला आपके लिए। अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ तो Samsung A55 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे Samsung S23 FE में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। पिक्सल वगैरह उतना ज्यादा मैटर नहीं करते, फोटोज यहाँ पे देखी जाती है किसमें आपको बेटर देखने को मिलती है। जो रियर कैमरा है उससे दोनों ही स्मार्टफोन से आपको काफी अच्छी फोटोज यहाँ देखने को मिलती है, कोई आपको मेजर यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट टेलीफोटो का जरूर वहां पे रहने वाला है। S23 FE में आपको थोड़ा सा बेटर वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कलर वगैरह आते हैं दोनों में काफी अच्छे देखने को मिलता है, डिटेल वगैरह भी दोनों में काफी सही यहाँ पे देखने को मिलती है, स्किन टोन वगैरह भी काफी अच्छे से बैलेंस कर लेता है। बट जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है Samsung S23 FE का, उसमें आपको डायनेमिक रेंज वगैरह थोड़ा सा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कलर साइंस है वो भी दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा 1921 का। जो Samsung A55 है उसमें आपको कलर वगैरह थोड़े वाइब्रेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिलता है। अगर मैं लो लाइट में भी बात करता हूँ या इंडोर में भी आप फोटोज क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली Samsung A55 के मुझे कलर थोड़े से बेटर लगे यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं इसके सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे सेम ही सीन रहने वाला है, दोनों में काफी अच्छी फोटो यहाँ देखने को मिलती है, सेम से ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। A55 में सेम यहाँ पे वाइब्रेंट सी आपको थोड़ी फोटो देखने को मिलती है, तो मुझे कलर वगैरह थोड़े उसके ज्यादा सही लगे। और अगर मैं बात करूं इसके वीडियोग्राफी की तो Samsung A55 में आप रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पे, बट Samsung S23 FE में आपको रियर कैमरा से 8K वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 24fps पे। इसके अलावा सेल्फी एंड रियर से आप 4K वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60fps पे, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह ज्यादा करते हैं और वीडियोग्राफी ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपको Samsung S23 FE की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको फोटोज यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे चाहिए, कलर वगैरह थोड़े से अच्छे चाहिए, थोड़े से ही बेटर है, ज्यादा कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको Samsung A55 में ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सीधा से यहाँ पे बता देता हूँ। दोनों में आपको प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, 40,000 के करीब दोनों ही ऑलमोस्ट मिल जाते हैं आपको। Samsung S23 थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहता है उसका प्राइस, सेल वगैरह में 40 में मिल जाता है वो भी। और डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलने वाला है, डिजाइन भी आपको सिमिलर सा ही देखने को मिलेगा। बैटरी में यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, हैवी यूजर है, तो डेफिनेटली Samsung S23 आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, A55 की तरफ ही यहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सेम सही है, तो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, हैवी यूजर है, तो डेफिनेटली आपको Samsung S23 FE में ही बेटर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरा ऑलमोस्ट आपको सिमिलर से रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कलर वगैरह मुझे Samsung A55 के बेटर लगे। और अगर आपको वीडियोग्राफी ज्यादा करते हैं तो डेफिनेटली आपको S23 FE की तरफ यहाँ जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। और दोनों स्मार्टफोन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम कंपेरिजन वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, और अगर आपकी कोई कंपेरिजन वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।